हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं Redmi 5 के बहुत बड़ा अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है, तो इस वीडियो पूरा देखें अगर आप Redmi 5 के यूज़र हो। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना अपने न्यू अपडेट के न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आप Redmi 5 के यूज़र हो तो आपको पता होगा 10.1.3 बहुत ही बड़ा अपडेट था और ठीक ठाक अपडेट था, ओरियो अपडेट था इनफैक्ट, तो अच्छा अपडेट बोल सकते हो। बट इसमें बग थोड़ा था। और गाइस, ये Redmi 5 ही का स्पेसिफिक फ़ोन है जिसको 10.1.3 तीन स्लॉट में देखने को मिला था। सबसे पहले दिसंबर में देखने को मिला, फिर जनवरी के लास्ट एंड में सबको देखने को मिला, देन फरवरी तक देखने को मिल रहा है सभी को। एज सभी यूज़र को रोल आउट एक साथ नहीं किया गया। 10.1.3 में बहुत सारे बग्स थे, तो ये धीरे धीरे सभी को प्रोवाइड कर दिया गया 10.1.3। अब फाइनली सभी को प्रोवाइड कर दिया गया 10.1.3 का अपडेट, जो कि ओरियो अपडेट है, ओरियो बेस्ड है, तो बहुत ही अच्छा अपडेट है। और गाइज, अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आप सेटिंग ऐप में जाइए, सिस्टम अपडेट में आप चेक कर लेना, आपको ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो गाइज, जिन्होंने दिसंबर में ही अपडेट 10.1.3 का कर लिया था, तो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं नेक्स्ट अपडेट का। और जिन्होंने जनवरी में किया था, उन लोग भी अब वेट कर ही रहे हो। तो गाइज, मैं बता दूं कि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा 10.2.3 के नाम पे। और गाइज, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या नए फीचर, तो चलिए गाइज वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज़, मैं बता दूँ 10.2.3 में आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। तो गाइज़, ये कंफर्म तो नहीं है, बट 99% आपको पोर्ट्रेट मोड 10.2.3 में देखने को मिलेगा। एज Redmi Note 4 का काम खत्म हो चुका है, Redmi Note 4 को पोर्ट्रेट मोड दोनों साइड प्रोवाइड कर दिया गया है, तब Redmi 5 को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और भी Redmi 5 तो 18:9 है, तो इसमें फेस अनलॉक तो नहीं मिलेगा। अभी फेस अनलॉक गाइज अभी आपको लेट से मिलेगा, एज दोनों अपडेट पोर्ट्रेट मोड और फेस अनलॉक एक ही अपडेट में नहीं देगा। तो पोर्ट्रेट मोड आपको ज़्यादा चांस 10.2.3 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फुल स्क्रीन तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया, 18:9 है, तो आपको फुल स्क्रीन तो पहले से 1.3 में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। और हाँ गाइस, इसमें बहुत कुछ चेंजेस होगा 10.2.3 के। ऐसे 10.2 सीरीज़ है, तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि 10.2 सीरीज़ में बहुत जो कॉमन चेंजेस देखने को मिले हैं सभी फ़ोन में, वो देखने को मिलेंगे Redmi 5 को। जैसे कि तीन ऑन स्क्रीन बटन जो चेंजेस होता है, जो एक पाई वाला अपडेट लुक आता है, तो गाइस वो चेंजेस देखने को मिलेगा। देन आपको शो सजेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा मिनिमाइज ऑप्शन में, मिनिमाइज बटन में। देन आपको गाइस वॉलपेपर कोड सेल देखने को मिलेगा, वॉलपेपर चेंजेस देखने को मिलेगा वो लॉक स्क्रीन पे। और गाइज, और अच्छी बात है कि 10.2 सीरीज़ बहुत ही अच्छा अपडेट सभी फ़ोन के लिए साबित किया गया है। मेरे को तो Redmi Note 5 Pro में 10.2 सीरीज़ मेरे को अच्छा लगा है, बट बहुत जन को बग्स भी भरा भी देखा देखने को मिला है। तो ये तो देखा जाएगा कि Redmi 5 में कैसा अपडेट रहता है। बट हालांकि 10.2 सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, ऑप्टिमाइज़ किया गया सिस्टम UI। और गाइज, इसमें अच्छा न्यू फीचर भी देखने को मिला है। तो अब लास्ट बात करते हैं, ये अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा Redmi 5 के यूज़र को 10.2.3 का। तो गाइज, ये मार्च के एंड तक देखने को मिलेगा Redmi 5 के यूज़र को। कम से कम 15 मार्च से 25 मार्च के एंड तक आपको देखने को मिलेगा ये 10.2.3 का अपडेट। और गाइज, इसमें पोर्ट्रेट मोड श्योरली आपको देखने को मिल सकता है। ये कोई ऑफिशियल तो न्यूज़ नहीं है, बट मैं एज Redmi 4 में स्लॉट खत्म हो चुका है, इसमें पोर्ट्रेट मोड दोनों साइड में मिल चुका है, तो गाइज आप Redmi 5 में भी जल्दी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ऐसा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।